जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली के केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश ने आम आदमी पार्टी को आग बबूला कर दिया है। जांच के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं, 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। 75 साल में इन पार्टियों ने मिलके देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए? क्यों? हमारे में कोई कमी है? भारत के लोगों में कोई कमी है? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलके देश को लूटा है। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज कम। अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है, देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार, अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ? इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के अनपढ़ रखा। अब नहीं होगा, अब मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा। तुम जितने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लो, जितने सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो, खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे, अब तो देश आगे बढ़ेगा।